सो क्लास 9th की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। गाइस आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस जो आपका यहाँ पर पेपर होने वाला विज्ञान का, तो गाइस आप यहाँ दे सकते हैं आपका विज्ञान पूरा पूरे पेपर आ चुका। आप यहाँ देख सकते हैं गाइस आपका जो विज्ञान का पेपर है मेरे पास पूरा पूरा आ चुका। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर पूरा पूरा खोल कर दिखाने वाला हूँ। जो सभी स्टूडेंट वीडियो पूरे देख ले उसके पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप इसका पी डी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पी डी में पासवर्ड मांगेगा तो मैं आपको पासवर्ड यहाँ वीडियो बताने वाला हूँ। सोचो लिखा है पूरे वीडियो पर देखिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो जल्दी से आप घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वह चलिए हम आपके यहाँ जो विज्ञान पेपर है तो हम पूरा पूरा देख लेते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्प में से सही उत्तर लिखिए। तो वैसे आपके आते हैं पहले सही विकल्प आते हैं का जो वैसे आपका विज्ञान का पेपर है। आप देख सकते हैं पूरा पूरा आपका यहाँ पर ये पेपर आ चुका है। तो वैसे आपके पहले आते हैं सही विकल्प। तो अगर आप देख सकते हैं गए जो आपका विज्ञान पेपर है आपका हिंदी मीडियम और साथ ही इंग्लिश मीडियम दोनों दिया गया, यानी कि आपका पूरा पूरा ये पेपर आ चुका है। तो जो सभी स्टूडेंट पूरे देख ले उसके पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं। यहाँ पर विज्ञान में 80 में 80 आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोचा आने वाला। अगर आप मेरा सोचा देख लेंगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे विज्ञान में। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं पूरे यहाँ पर पीडीएफ नहीं है, पूरा पूरा मैं यहाँ पर मेरे पास आपका यहाँ पर विज्ञान पेपर आ चुका है। तो यानी कि कोई फेक नहीं है, पूरा पूरा आपका रियल है। तो देख सकते हैं आपका होगा यही पेपर परीक्षा में आने वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा पूरे यहाँ पर ये पेपर आ चुका है। तो वही चलिए हम आपके यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपका पहला आता है पानी की अवस्थाएँ होती हैं। तो वैसे पानी की अवस्थाएँ होती हैं 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपके दिए हैं ऑप्शन। दूसरे तिली समांगी मिश्रण है बेलन कोलाइड निलंबन विलायक, और तीसरा आता है वेग परिवर्तन दर को कहते हैं दूरी चाल विस्थापन त्वरण, पांचवा आता है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है NKSNA। इस तरह से आपके दिए ऑप्शन इस पूरा पूरा गैस आपका रियल है। साथ ही आपको जो गैस पेपर हो गया है यहाँ पर गैस आपका हो गया है इंग्लिश का गैस पेपर हो गया, गणित का हो गया, तो इसमें और हिंदी का, तो मैंने आपको गणित का यहाँ पर इंग्लिश का और यहाँ पर हिंदी का एक दिन पहले डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो अगर आपको यहाँ से देखने वीडियो स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसमें आपको इसी चैनल पर आपकी सभी सब्जेक्ट की पेपर अपलोड कराने वाला हूँ, जिससे आपकी यहाँ पर परसेंटेज भी 95-96 इस तरह से बनने वाली है। सर अपने क्लास में भी टॉप करेंगे। तो जल्दी से आप चैनल को साथ जुड़ जाइए, घंटी कॉल प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पर चौथा आता है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक, ये आपका हो गया है। पाँचवा देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका आणविक द्रव्यमान अधिकतम होगा, H2O का, O2 का, CO2 का, CH4 का। तो वैसे आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपके मैंने यहाँ पर सभी करवा दिए हैं। आपका इसमें पहला सभी सही बार करवा दिया और दूसरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया, चौथा करवा दिया, पांचवा करवा दिया। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर दिया गया, यानी कि पूरा आपका रियल है, कोई फेक पेपर नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। फिर चलिए अगर हम आपका पेज पलटने वाले हैं, तो वैसे आपका पलटने वाला पेज तो यहाँ पर गौर से देखिए। तो वैसे आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आता है दो पिंडों के बीच बल लगता है गुरुत्वाकर्षण संतुलित, और यहाँ पर वह दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा देख लेते हैं, 1 किलोग्राम भार न्यूटन के बराबर होता है तो 9.8, 8.9 इस तरह के आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर नेक्स्ट सोल्यूशन आने वाला। अगर आप मेरा सोल्यूशन देख लेंगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे यहाँ पर विज्ञान के पेपर में। आपको यहाँ पर कोई कठिन पेपर नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल पर आपकी सभी सब्जेक्ट के लिए अपलोड कराने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट के। साथ ही मैंने आपका हिंदी का और यहाँ पर इंग्लिश का और गणित का ये पर अपलोड करा दिया। अब वैसे आपका जो विज्ञान का पेपर खुला था, मैं विज्ञान का पूरा पूरे आपके यहाँ पर रिवेल लेके आ गया हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका तीसरा आता है कोशिका पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है। फिर चौथा आता है 1 दोलन में लिया गया सवाल, कहलाता आवृत्ति दोलन काल। और पाँचवा देख लीजिए परास्रव या ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक, 20 किलोहर्ट्ज़ से कम। तो वैसे इस तरह से आपके दिए हैं यहाँ पर खाली स्थान, तो देख लीजिए और पूरा का पूरा स्क्रीन खा लीजिए। साथ ही मैं आपको यहाँ पर जो पीडीएफ का पासवर्ड है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनिए। आपको यहाँ पर लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको यहाँ सुनना है। साथ ही यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी देख लीजिए, ये रहे यहाँ पर आपके इंग्लिश में। और चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके आते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए, पहली आती है आपकी एड्स, दूसरी आती है टीवी, और तीसरी आती है यहाँ पर त्वचा रोग, और चौथी आप देते गति ऊर्जा और शक्ति का या सही मात्रा। तो यहाँ पर देते फंगस 1/2 MB स्क्वायर, वॉट बैक्टीरिया विषाणु। तो
चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ये रहा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट का यहाँ पर, तो देख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उन्होंने भी देखना है गाइस, पूरा पूरा आपके लिए आ चुका है। और यहाँ पर देखते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला आता गुड़ती त्वरण जी का ऐसे मतक लिखिए, और दूसरा देखते हैं 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, और तीसरे देख लीजिए 1 किलो फ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र लिखिए, और चौथा आप देख सकते हैं चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है, पाँचवा आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण लिखिए। तो अच्छा मैंने आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर करा दिए, साथ ही मैंने आपके यहाँ पर सायुड़ियाँ करा दी हैं, और आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर करा दिए, और आपके ऐसे मैंने यहाँ पर रेगिस्तान करा, यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए। तो वैसे चलिए आपका हम यहाँ पर पेज पलटा लेते हैं, तो जल्दी से आपके कैसे यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए, आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोर्स आने वाला है, अगर सर मेरा सोर्स देख लेंगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं विज्ञान में, और साथ ही आपको इसी चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट के आपका यहाँ पर पेपर आ गया संस्कृत का रह गया, तो इसमें आपको संस्कृत यहाँ पर एक दिन पहले अपलोड करा दूँगा, साथ ही सामाजिक विज्ञान का भी आपको मैं एक दिन पहले ये अपलोड करा दूँगा। जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाँचवा क्वेश्चन है, एक परमाणु को नग्न आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता, अथवा देख लीजिए परमाणु द्रव्य एक परिभाषित कीजिए, ये आपका अथवा का या वैसे आपके दो नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और छठा क्वेश्चन देख लीजिए, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान इतना है, उसके नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, साथ ही अथवा देख लीजिए सबमरीन को परिभाषित कीजिए, सबमरीन को परिभाषित कीजिए, और यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए पेशी का नमांग चित्र बनाइए, अथवा देख लीजिए चित्तन का कोशा का नमांग चित्र बनाइए। तो वैसे आपका पूरे रील पर आ चुका है, जो से भी स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छे नंबर मार्क्स लाना है तो वो गाइस वो वीडियो पूरा देखे, और जिसको यहाँ पर फेल होना है तो वो वीडियो यहाँ से छोड़ सकता है। और अथवा यहाँ आठवां देख लीजिए मोनोराज जगत के दो पिन रचन लिखिए, और अथवा देख लीजिए मेरा को एम पी भी या बगल में क्यों रखा गया है। तो वही आपका आठवां क्वेश्चन है, नौवां देख लीजिए बल क्या है इसका ऐसे मतलब लिखिए, और अथवा देख लीजिए सरल की गति को परिभाषित कीजिए। तो वही इस तरह से मैंने आपके यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन करा दिया, और छठवां करा दिया, सातवां करा दिया, और आठवां क्वेश्चन करा दिया, नौवां भी करा दिया। तो चलिए आपका दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका दसवां क्वेश्चन आता है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्तर क्यों रहता है, अथवा देख लीजिए गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियाँ लिखिए, अथवा देख लीजिए प्रतिरक्षीकरण समझाइए। तो ऐसे आपका ग्यारहवां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रतिरक्षीकरण क्या समझाइए, ये आपका ग्यारहवां क्वेश्चन है। हम बारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि की तरंगों के अंतिम तरंग क्यों कहते हैं, और अथवा देख लीजिए सोनार के कोई 3 उपयोग लिखिए, आपको सोनार के यहाँ पर 3 उपयोग लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपका दसवां क्वेश्चन करा दिया, और ग्यारहवां क्वेश्चन करा दिया, साथ ही बारहवां क्वेश्चन मैंने आपका करा दिया। तो आप अच्छी तरह देखते जाइए आपका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से आपके चैनल को सही कर लीजिए, पूरा पूरा आपका रियल है, आप देखते हैं पूरा पूरा आपका रियल है। मैंने आपके यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन भी करा दिया, छठवां भी करा दिया, सातवां भी करा दिया। तो चलिए आपका हम तेरहवां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर तेरहवां क्वेश्चन आता है, बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए अथवा दिख लीजिए निम्नलिखित एककों में विद्यमान तत्व के नाम लिखिए, जल, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर आपको इनके यहाँ पर तत्वों के नाम लिखना है तो जल्दी से देखते जाइए, आपका यहाँ तेरहवां क्वेश्चन करा दिया, तो देख सकते हैं आपका तेरहवां क्वेश्चन करा दिया, बारहवां क्वेश्चन करा दिया, ग्यारहवां करा दिया मैंने आपका, और जो अगर आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन है, साथ ही जो आपका अथवा क्वेश्चन में दोनों सोल्यूशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला पूरा पूरा, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। चलिए हम आपका पेज पलटा लेते हैं, चलिए गाइस आपके आते हैं चौदहवां क्वेश्चन आता है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, अथवा देख लीजिए आपका 3 नंबर का, तो आपको यहाँ से वीडियो देखना पूरा अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि गाइस बहुत से स्टूडेंट वीडियो की स्किप करते रहते हैं, अगर सब वीडियो की स्किप करेंगे तो ऐसे आगे 5-6 क्वेश्चन निकल जाएंगे, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं देखें तो आंसर कहाँ से लिख पाएंगे। तो वैसे आपके यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखते हैं अथवा प्रकृति में ऑक्सीजन का चक्र समझाइए, और यहाँ पर आप देख लीजिए मिश्रण एवं एवं में 4 अंतर लिखिए, अथवा देख लीजिए निलंबर और कोलाइड में 4 अंतर लिखिए, चाहे आप सोलह देख लीजिए किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा आपके एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान की पिंड की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको व्यंजक स्थापित करना है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पर मैंने आपका करवा दिया 14वां क्वेश्चन, 15वां करा दिया, साथ ही मैंने आपका 16वां क्वेश्चन भी करा दिया। चलिए अब हम आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 7वां क्वेश्चन आता है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसकी भार का 1/6 गुना क्यों होता है, अथवा देख सकते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाइए, और 18वां देख लीजिए स्थानीय वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन हो गया, मैंने आपका 16वां करा दिया, 7वां करा दिया, 18वां करा दिया।
चलिए आपका यहाँ देख लेते हैं हम अथवा क्वेश्चन, आपके 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवरत बीजी एन जी ओ स्मरण के प्रमुख लक्षण लिखिए कोई चार, तो आपको चार लिखना। आपके यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ पर चार नंबर का है, आप देख सकते हैं आपके चार नंबर का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आपके चार नंबर का 18वां क्वेश्चन, तो आपको चार लिखना है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ है, अथवा देख लीजिए भंडारण प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। और 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं बोर की परमाणु मंडल की व्याख्या कीजिए, अथवा देख लीजिए परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। फिर आपका आता है चाल एवं विघ्न अंतर लिखिए, तो वैसे आपको पाँच लिखना है चालो विघ्न अंतर, तो वैसे आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना चालो विघ्न अंतर का भी सलाह रहता है, यहाँ कठिन यहाँ पर नहीं होता है। अथवा देख सकते हैं गति के द्वितीय समीकरण की व्यंजक ज्ञात करो, तो आपको गति के द्वितीय समीकरण की व्यंजक ज्ञात करना है। एक ऐसा अब ए भी ऐसा आपका यहाँ पर अथवा का है, तो दोनों में से आप जो सा आपसे बनता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको जो ऊपर क्वेश्चन है साथ ही जो नीचे क्वेश्चन है दोनों सोल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए जंतु को सकर नामक चित्र बनाइए, और यहाँ पर पदक को सकर नामक चित्र बनाइए, तो कैसे आपको दोनों में यहाँ पर चित्र बनाना है। आपको यहाँ पर ऊपर बनाना जंतु को सा चित्र, और साथ ही आपके नीचे यहाँ क्वेश्चन है अथवा का, इसमें कैसे आपको यहाँ पर पदक को सा चित्र बनाना है। तो कैसे मैं आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन आने वाला है मैं आपको दोनों का यहाँ पर चित्र बना कर दिखा दूंगा, तो जिससे आपके यहाँ पूरी मार्क्स आने वाले विज्ञान के पेपर में, क्योंकि आपका पूरा रिवा आ चुका है। साथ ही आपको जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर बचा है और संस्कृत का, तो मैं आपको सामाजिक विज्ञान का और संस्कृत का भी यहाँ पर रिवा अपलोड करा दूंगा इसी चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से आप यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके यहाँ पर विज्ञान के पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।